नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस अनचार्टेड मूवी के केवल ऑडियंस रिव्यू और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोट, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस अनचार्टेड मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोट्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, और इस अनचार्टेड मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस अनचार्टेड मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोर्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोर्स। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है, जिंदगी भी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, दूसरा मोटिवेशनल कोर्स, चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, बिना ताकत झोंके तो एक जरा भी हिल नहीं सकता। संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिल सकता टॉम हॉलैंड की साल 2022 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है? अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली हुआ है कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 72% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.3 है, और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फ्लेशर थे, और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाई टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ दैम, आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी एडेप्शन ऑफ द सीरीज। टॉम हॉलैंड हिट ऑल ऑफ राइट बिल्ड्स ऑफ नथन पर्सनैलिटी, आई वाज होनेस्टली बिट स्केप्टिकल ऑफ दिस कुल्ड फर्स्ट हैंड गुड मैनेजमेंट टू ब्रिंग नैथ चरम ऑफ दिस विथ होमर एंड गुड हार्ट इन वे दिस वाज एंड गुड इट रियली ऑफ गुड हैंड टॉम हॉलैंड वुड ऑफ दिस ड्रैग विदाउट एंड फ्लिकिंग लैक ऑफ दिस इम्प्रेसिव आई कैन नॉट वेट टू सी मोरी ऑफ हिम द फ्यूचर। मार्क वालबर्ग डिड ए प्रीती गुड जॉब एंड सुली टू हैंड ही डिड ए नाइस जॉब ऑफ शोइंग ऑफ सीन्स ऑफ दिस गुड डीपली क्राइंग ऑफ पर्सनैलिटी
सोफिया अली आल्सो डिड ए फैंटास्टिक जॉब विथ चोले एंड ऑल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ दिस करेक्टर वेरी हैंडल वुड परफेक्ट ऑफ दिस वेरिंग द रिमाइंडर ऑफ द कास्ट आल्सो डिड ए प्रीती गुड जॉब विथ देयर रोल्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी दे रियली रेलिड दैट अनचार्टेड फिल्म द ग्लोब ट्रोटिंग टीजर ऑफ हंटिंग फिल एंड प्रीसमेंट थ्रू आउट द होल मूवी एंड इट होनेस्टली फेल्ट लाइक something out of the game even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the nest was translated surprise well the action was also awesome it had that high energy feel I would particular like how they show of Nate Mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible the mix of old and new set piece very really great to see and they really nailed the energy and intensity they you should and trade national feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really capture the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on whatever of a long time fan of series you are the completely new to it of it is was absolutely have fun with this movie I really enjoy it and of this I am so ready of the sequel I remember playing Uncharted 2 among these of few years back thinking of this very movie out of this film and now years later did dope of this stunning new oh, there were finally going to bring one of my all time favorite games to big screen seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagining Tom Holland and Mark Wahlberg as the man fox and uncharted but of stupid into the strong hair to positive mind and oh my god I was blow away their performance very behind my expression Tom did such an amazing job portable natty personula of this mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool I love this very moment from every uncharted game of all into the two hour movie and this scenes very natty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with here but brother some puzzle out of area location of this area was not cute the area haha the action scenes very perfect I can say no less this movie was beautiful I could not happier with the outcome looking for so forward the sequel now of experiment did definitely so this movie as is fantastic and this movie and plenty of good action scenes and some great actresses is the movie include Tom Holland, Mark Wahlberg, and the stunning Sophia Taylor Ali, and they were all amazing. Of course, especially Tom Holland, and it is nice to see him play a role other than Spider-Man, even throughout. Amazing, of this good, amazing location in this movie and amazing scenes. Mark of also recommended. I have every scene of this very Uncharted sequel movie. I mean, come out of this very great. This prepare for this movie is very. Retable of Uncharted games in the scenes and teaser hunt of this include character I have every scene of this very fantastic recommended that to playlist and latest Uncharted game if you have not so this new what Uncharted is about who all of people about of really enjoy this movie so yes this movie I mean could have been better than of this good amazing Holland of this very fantastic I have every scene amazing choice for playing so overall I definitely recommended you to watch this action-packed adventure movie and what over Uncharted games of update I have every seen movie TVs and so this IMAX of this very first time and good waiting for this I have every good think about of this very and having spent 100 of hour grading each and Uncharted game 200% completion and 1000 more hours into the theater multiply expression I can this movie I have good
एक्सप्रेशन आई कैन सी दिस फैंटेस्टिक वीडियो गेम सीरीज डेस्पाइट गोइंग इनटू द फिल्म एक्सप्रेशन द वर्स्ट टू मैनी पीपल ऑफ दिस गुड टॉम हॉलैंड एंड मार्क ज़ुकरबर्ग ऑफ फेयर चांस गोइंग टू दिस मूवी देयर प्रीवियस एक्शन एक्टिंग रोल्स ऑफ दिस वेरी यंगर वर्जन ऑफ द करेक्टर सपोर्टिंग सपोर्ट कास्ट एंड द स्टोरी फ्लो स्मूथली अटेंडेड द मूवी समवन हू प्ले द वेरी मच बेटर दैन आई हैव गुड परफॉर्मेंस ऑफ पूर वीडियो गेम एडेप्शन एंड आई हुल दिस रिलीज वैन ऑफ दिस वेरी एंजॉय विदाउट रीडिंग ऑन कोस्टल सक्सेस फ्रॉम द गेम्स माई ओनली इंटेंसिटी ऑफ दिस इंक्लूड द एयरप्लेन ऑफ दिस नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज टेस्टफुल विदाउट रनिंग ट्रेडमार्क सीन्स आई डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स मच बेटर दैन आई एक्सपेक्टेड आई वॉज क्यूसली ऑप्टोमिसिंग बाई द ट्रिलर एंड हैड होप टॉम हॉलैंड कुल्ड प्ले ए यंग नेथम ड्रेक वी हैल दिस वेरी गुड अमेजन इन द रोल फुल एंड लव हाउ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एज ट्रेड मैन्यूसम अनचार्टेड गेम सीरीज फैन आई वॉज सुपर एग्जिट फॉर दिस मूवी बट आई वॉज लेफ्ट फीलिंग लेस देन ओवर हाउ वेरी इंप्रेसिव एक्शन सीन्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस टॉम हॉलैंड। साल 2022 में रिलीज़ हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था। जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह है कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ही अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फिलिसर थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाई टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ दैम आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी एडेप्शन ऑफ द सीरीज टॉम हॉलैंड हिट ऑल ओवर राइट बिल्ड्स ऑफ नथन पर्सनैलिटी आई वॉज होन नेशनली बिट स्केप्टिकल ऑफ दिस कुल्ड फर्स्ट हैंड गुड मैनेजमेंट टू ब्रिंग नैथ चरम ऑफ दिस विथ होमर एंड गुड हार्ट इन वे दिस वॉज एंड गुड इट रियली ऑफ गुड हैंड टॉम हॉलैंड वुड ऑफ दिस ड्रैग विदाउट एंड फ्लिकिंग लैक ऑफ दिस इम्प्रेसिव आई कैन नॉट वेट टू सी मोरी ऑफ हिम द फ्यूचर मार्क वालबर्ग डिड ए प्रीति गुड जॉब एंड सुली टू हैंड ही डिड ए नाइस जॉब ऑफ शोइंग ऑफ सीन्स ऑफ दिस गुड डीपली क्राइंग ऑफ पर्सनैलिटी सोफिया अली आल्सो डिड ए फैंटास्टिक जॉब विथ चोले एंड ऑल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ दिस करेक्टर वेरी हैंडल वुड परफेक्ट ऑफ दिस वेरी द रिमाइंडर ऑफ द कास्ट आल्सो डिड ए प्रीति गुड जॉब विथ देयर रोल्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी दे रियली रेलिड दैट अनचार्टेड फिल्म द ग्लोब ट्रोटिंग टीजर ऑफ हंटिंग फिल एंड प्रीसमेंट थ्रू आउट द होल मूवी एंड इट होनेस्टली फेल्ट लाइक something out of the game even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the next was transcendent surprise well the action was also awesome it had that high energy feel I would particular like how they show of Nate Mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible the mix of old and new set piece very really great to
टू सी एंड दे रियली नेल्ड द एनर्जी एंड इंटेंसिटी दे यू शुड एंड ट्रेड नेशनल फील यू लाइक ऑफ दिस प्लेइंग थ्रू आउट दैम इट द गेम्स ओवरऑल दिस वॉज ए फैंटेस्टिक मूवी अडेप्शन दैट रियली कैप्चर द फील ऑफ अनचार्टेड गेम्स विल ऑफ दिस मैनेजिंग टू बी फ्रेश टैक ऑफ इट इज आवन वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कम्प्लीटली न्यू टू इट ऑफ द इट इज वॉज एब्सोल्युटली हैव फन विथ दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म And now years later did dawn of this stunning new there were finally going to bring one of my all-time favorite games to big screen seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagined Tom Holland and Mark Wahlberg as the man fox and uncharted but of stupid into the strong hair to positive mind and oh my god I was blown away their performance very behind my expression Tom did such an amazing job portable natty personula of this mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool I love this very moment from every uncharted game of all into the two hour movie and this scenes very natty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with हेयर ब्रोदर सम पजल आउट ऑफ एरिया लोकेटेशन ऑफ दिस एरिया वॉज नॉट क्यूट द एरिया हा हा द एक्शन सीन्स वेरी परफेक्ट आई कैन शे नो लेस दिस मूवी वॉज ब्यूटिफुल आई कुड नॉट हैप नियर विथ द ऑक्टम आउटकम लुकिंग फॉर सो फॉरवर्ड द सिक्वेल नाउ ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड डेफिनेटली सो दिस मूवी एंड इज फैंटेस्टी एंड दिस मूवी एंड प्लेंटी ऑफ गुड एक्शन सीन्स एंड सम ग्रेट एक्ट्रेस एक्ट्रेसेज इज द मूवी इनक्लूड Tom Holland, Mark Wahlberg, and the stunning Sophia Taylor Ali, and they were all amazing, of course, especially Tom Holland. And it is nice to see him play a role other than Spider-Man, even throughout amazing. Hope this good. Amazing location in this movie and amazing scenes. Marop also recommended. I have every scene of this very uncharted sequel movie. I mean, come out of this very great. This prepare for this movie is very relatable of uncharted games in the scenes and teaser hunt of this include character. I have every scene of this very fantastic. Recommended that to playlist and latest uncharted game. If you have not saw this new what uncharted Started is about who all of people are about of really enjoy this movie. So yes, this movie I mean could have been better than of this good amazing whole land of this very fantastic. I have every scene. Amazing choice for playing. So overall, I'd definitely recommended you to watch this action-packed adventure movie. And what over uncharted games of update I have every seen movie TVs and so this IMAX of this very first time and good waiting for this I have every good think about of this very and having spent 100 of hour grading each and uncharted game 200% completion and 1000 more hours into the theater multiply expression I can this movie I have good expression I can see this fantastic video game series despite going into the film expression the worst too many people of this good Tom Holland and Mark Wahlberg of fair chance going to this movie their previous action acting roles of this very younger version of the character supporting cast and the story flow smoothly attended the movie someone who play the very much better than I have good performance of poor video game adaptation and I hold this release when of this very enjoy without reading on coastal success from the games my only intensity of this include the airplane of this negative expression used tasteful without running trademark since I do not play video games much better than I expected I was curiously optimistic by the trailer and had hope Tom Holland
कुल्ड प्ले ए यंग नैथम ड्रैक वी हैल दिस वेरी गुड अमेजन इन द रोल फुल एंड लव हाउ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एज ट्रेड मैन्यूसम अनचार्टेड गैम सीरीज फैन आई वॉज सुपर एग्जिट फॉर दिस मूवी बट आई वॉज लेफ्ट फीलिंग लेस देन ओवर हवो वेरी इंप्रेसिव एक्शन सीन्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस टॉम हॉलैंड। साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था। जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली हुआ है कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद, जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फिलिसर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाई टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ देम आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी एडेप्शन ऑफ द सीरीज। टॉम हॉलैंड हिट ऑल ओवर राइट बिल्ड्स ऑफ नेथन पर्सनैलिटी आई वाज होनेस्टली बिट स्केप टाइपल ऑफ दिस कुल्ड फर्स्ट हैंड गुड मैनेजमेंट टू ब्रिंग नैथ चरम ऑफ दिस विथ होमर एंड गुड हार्ट इन वे दिस वाज एंड गुड इट रियली ऑफ गुड हैंड टॉम हॉलैंड वुड ऑफ दिस ड्रैग विदाउट एंड फ्लिकिंग लैक ऑफ दिस इम्प्रेसिव आई कैन नॉट वेट टू सी मोरी ऑफ हिम द फ्यूचर मार्क वालबर्ग डिड ए प्रीती गुड जॉब एंड सुली टू हैंड ही डिड ए नाइस जॉब ऑफ शोइंग ऑफ सीन्स ऑफ दिस गुड डीपली क्राइंग ऑफ पर्सनल। सोफिया अली आल्सो डिड ए फैंटास्टिक जॉब विद चोले एंड ऑल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ दिस करेक्टर वेरी हैंडल वुड परफेक्ट ऑफ दिस वेरी द रिमाइंडर ऑफ द कास्ट आल्सो डिड ए प्रीति गुड जॉब विद देयर रोल्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी दे रियली रेलिड दैट अनचार्टेड फिल्म द ग्लोब ट्रोटिंग टीजर ऑफ हंटिंग फिल एंड प्रीसमेंट थ्रू आउट द होल मूवी एंड इट होनेस्टली फेल्ट लाइक something out of the game even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the nest was transcended surprise well the action was also awesome it had that high energy feel I would particular like how they show of Nate Mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible the mix of old and new set piece very really great to see and they really nailed the energy and intensity they you should and traditional feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really capture the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कम्प्लीटली न्यू टू इट ऑफ द इट इज वॉज एब्सोल्युटली हैव फन विथ दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म।
एंड नाउ ईयर्स लेटर दिड डॉब ऑफ दिस स्टैनिंग न्यू ओ देर वार फाइनली गोइंग टू ब्रिंग वन ऑफ माई आल टाइम फेवरेट गेम्स टू बिग स्क्रीन सींग द कास्ट थ्रू आउट डिड हैव ए लिटिल स्पेक्टिकल ऑफ आई नेवर इमेजिंग टॉम हॉलैंड एंड मार्क वालबर्ग एज द मैन फॉक्स एंड अनचार्टेड बट ऑफ स्टोपेड इन टू द स्ट्रोंग हेयर टू पॉजिटिव माइंड एंड ओ माई गोड आई वॉज ब्लो अवे देर परफॉर्मेंस वेरी बी हैंड माई एक्सप्रेशन Tom did such an amazing job. Portable natty personal of this mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool. I love this very moment from every uncharted game of all into the 2 hour moving and this scenes very nutty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with हेयर ब्रोदर सम पजल आउट ऑफ एरिया लोकेटेशन ऑफ दिस एरिया वॉज नॉट क्यूट द एरिया हा हा द एक्शन सीन्स वेरी परफेक्ट आई कैन से नो लेस दिस मूवी वॉज ब्यूटिफुल आई कुड नॉट हैप नियर विथ द ओकटम आउटकम लुकिंग फॉर सो फॉरवर्ड द सिक्वल नाउ ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड डेफिनेटली सो दिस मूवी एंड इज फैंटेस्टी एंड दिस मूवी एंड प्लेंटी ऑफ गुड एक्शन सीन्स एंड सम ग्रेट एक्ट्रेस एक्ट्रेसेज इज द मूवी इन include Tom Holland, Mark Wahlberg and the stunning Sophia Taylor Ali and they were all amazing of course especially Tom Holland and it is nice to see him play a role other than Spider-Man even throughout amazing of this good amazing location in this movie and amazing scenes Mar op also recommended I have every scene of this very uncharted sequel movie I mean come out of this very great this prepare for this movie is very relatable of uncharted games in the scenes and teaser hunt of this include character I have every scene of this very fantastic recommended that to playlist and latest uncharted game if you have not so this new what uncharted is about who all of people about of really enjoy this movie so yes this movie I mean could have been better than of this good amazing Holland of this very fantastic I have every scene amazing choice for playing so overall I definitely recommended you to watch this action packed adventure movie and what over uncharted games of update I have every seen movie TVs and so this IMAX of this very first time and good waiting for this I have every good think about of this very and having spent 100 of hour grading each and uncharted game 200% completion and 1000 more hours into the tier multiply expression I can this movie I have good expression I can see this fantastic video game series despite going into the film expression the worst too many people of this good Tom Holland and Mark Wahlberg of fair chance going to this movie their previous action acting roles of this very younger version of the character support cast and the story flow smoothly attended the movie someone who play the very much better than I have good performance of poor video game adaptation and I hold this release when of this very enjoy without reading on coastal success from the games my only intensity of this include the airplane of this negative expression use tasteful without running trademark since I do not play video games much better than I expected I was curiously optimistic by the trailer and had hope Tom Holland could play a young Nathan Drake we held this very good amazing in the role full and love how this introduction of this as trade manism uncharted game series fan I was super excited for this movie but I was left feeling less than over how very impressive action scenes of this beautiful I have every scene of this good performance Tom Holland साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी तो तैयार हो जाए
चाहे इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फिलिसर थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाइड टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ देम, आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी अडेप्शन ऑफ द सीरीज। टॉम होलैंड हिट ऑल ओवर राइट बिल्ड्स ऑफ नथन पर्सनैलिटी, आई वाज होनेस्टली बिट स्केप्टिकल ऑफ दिस कुल्ड फर्स्ट हैंड गुड मैनेजमेंट टू ब्रिंग नैथ चरम ऑफ दिस विथ होमर एंड गुड हार्ट इन वे दिस वाज एंड गुड इट रियली ऑफ गुड हैंड टॉम होलैंड वुड ऑफ दिस ड्रैग विदाउट एंड फ्लिकिंग लैक ऑफ दिस इम्प्रेसिव, आई कैन नॉट वेट सी मोरी ऑफ हिम द फ्यूचर। मार्क वालबर्ग डिड ए प्रीती गुड जॉब एंड सुली टू हैंड ही डिड ए नाइस जॉब ऑफ शोइंग ऑफ सीन्स ऑफ दिस गुड डीपली क्राइंग ऑफ पर्सनैलिटी। सोफिया अली आल्सो डिड ए फैंटास्टिक जॉब विथ चोले एंड ऑल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ दिस करेक्टर वेरी हैंडल वुड परफेक्ट ऑफ दिस वेरी द रिमाइंडर ऑफ द कास्ट आल्सो डिड ए प्रीती गुड जॉब विथ देयर रोल्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी दे रियली रेलिड दैट अनचार्टेड फिल्म द ग्लोब ट्रोटिंग टीजर ऑफ हंटिंग फिल एंड प्रीसमेंट थ्रू आउट द होल मूवी एंड इट होनेस्टली फेल्ट लाइक something out of the game, even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the nest was translated surprise well, the action was also awesome, it had that high energy feel I would particular like how they show of Nate Mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible, the mix of old and new set piece very really great to see and they really nailed the energy and intensity they you should and trade national feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really capture the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कम्प्लीटली न्यू टू इट ऑफ द इट इज वॉज एब्सोल्युटली हैव फन विथ दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म and now years later did dope of this stunning new oh, there war finally going to bring one of my all time favorite games to big screen, seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagining Tom Holland and Mark Wahlberg as the man fox and uncharted but of stupid into the strong hair to positive mind and oh my god I was blow away their performance very behind my expression Tom did such an amazing job portable natty personula of this mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool I love this very moment from every uncharted game of all into the two hour movie and this scenes very natty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with hair
ब्रोदर सम पजल आउट ऑफ एरिया लोकेटेशन ऑफ दिस एरिया वाज नॉट क्यूट द एरिया हा हा द एक्शन सीन्स वेरी परफेक्ट आई कैन से नो लेस दिस मूवी वाज ब्यूटिफुल आई कुड नॉट हैप नियर विथ द ऑक्टम आउटकम लुकिंग फॉर सो फॉरवर्ड द सिक्वल नाउ ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड डेफिनेटली सो दिस मूवी एंड इज फैंटेस्टी एंड दिस मूवी एंड प्लेंटी ऑफ गुड एक्शन सीन्स एंड सम ग्रेट एक्ट्रेस एक्ट्रेसेज इज द मूवी इंक्लूड टॉम हॉलैंड मार्क वेलबर्ग एंड द स्टैनिंग सोफिया टेलर अली एंड दे वेरी ऑल अमेजन ऑफ कोर्स स्पेशली टॉम हॉलैंड एंड इट इज नाइस टू सी हिम प्ले ए रोल अदर दैन स्पाइडरमैन इवन थ्रू आउट अमेजन ऑफ दिस गुड अमेजन लोकेशन इन दिस मूवी एंड अमेजन सीन्स मार ओप आल्सो रिकमेंडेड आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस वेरी अनचार्टेड सिक्वल मूवी आई मीन कम आउट ऑफ दिस वेरी ग्रेट दिस प्रिपेयर फॉर दिस मूवी इज वेरी रिटेबलेबल ऑफ अनचार्टेड गेम्स इन द सीन्स एंड टीजर हंट ऑफ दिस इंक्लूड करेक्टर आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टिंग रिकमेंडेड दैट टू प्ले लिस्ट एंड लाटेस्ट अनचार्टेड गेम इफ यू हैव नॉट सू दिस न्यू वाट अनचार्टेड इज अबाउट who all oh people about of really enjoy this movie so yes this movie I mean could have been better than of this good amazing whole land of this very fantastic I have every seen amazing choice for playing so overall I did definitely recommended you to watch this action packed adventure movie and what over uncharted games of update I have every seen movie TVs and so this IMAX of this very first time and good waiting for this I have every good think about of this very and having spent 100 of hour grading each and uncharted game 200% completion and 1000 more hours into the theater multiply expression I can this movie I have good expression I can see this fantastic video game series despite going into the film expression the worst too many people of this good Tom Holland and Mark Zuckerberg of fair chance going to this movie their previous action acting roles of this very younger version of the character support cast and the story flow smoothly attended the movie someone who play the very much better than I have good performance of poor video game adaptation and I hold this release when of this very enjoy without reading on coastal success from the games my only intensity of this include the airplane of this negative expression use tasteful without running trademark since I do not play video games much better than I expected I was curiously optimistic by the trailer and had hope Tom Holland could play a young Nathan Drake we held this very good amazing in the role full and love how this introduction of this as trade manism uncharted game series fan I was super excited for this movie but I was left feeling less than over how very impressive action scenes of this beautiful I have every scene of this good performance Tom Holland साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था। जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली हुआ है कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट
18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फिलिसर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाई टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ देम, आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी एडेप्शन ऑफ द सीरीज। टॉम होलैंड हिट ऑल ओवर राइट बिल्ड्स ऑफ नथन पर्सनैलिटी, आई वॉज होनेस्टली बिट स्केप टाइपल ऑफ दिस कुल्ड फर्स्ट हैंड गुड मैनेजमेंट टू ब्रिंग नैत चरम ऑफ दिस विथ होमर एंड गुड हार्ट इन वे दिस वॉज एंड गुड इट रियली ऑफ गुड हैंड टॉम होलैंड वुड ऑफ दिस ड्रैग विदाउट एंड फ्लिकिंग लैक ऑफ दिस इम्प्रेसिव, आई कैन नॉट वेट सी मोरी ऑफ हिम द फ्यूचर। मार्क वालबर्ग डिड ए प्रीती गुड जॉब एंड सुली टू हैंड ही डिड ए नाइस जॉब ऑफ शोइंग ऑफ सीन्स ऑफ दिस गुड डीपली क्राइंग ऑफ पर्सनल। सोफिया अली आल्सो डिड ए फैंटास्टिक जॉब विथ चोले एंड ऑल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ दिस करेक्टर वेरी हैंडल वुड परफेक्ट ऑफ दिस वेरी द रिमाइंडर ऑफ द कास्ट आल्सो डिड ए प्रीति गुड जॉब विथ देयर रोल्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी दे रियली रेलिड दैट अनचार्टेड फिल्म द ग्लोब ट्रोटिंग टीजर ऑफ हंटिंग फिल एंड प्रीसमेंट थ्रू आउट द होल मूवी एंड इट होनेस्टली फेल्ट लाइक something out of the game, even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the nest was transcended surprise well the action was also awesome, it had that high energy feel I would particular like how they show of Nate Mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible the mix of old and new set piece very really great to see and they really nailed the energy and intensity they you should and traditional feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really capture the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कम्प्लीटली न्यू टू इट ऑफ द इट इज वॉज एब्सोल्युटली हैव फन विथ दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म and now years later did dope of this standing new oh, there war finally going to bring one of my all time favorite games to big screen seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagining Tom Holland and Mark Wahlberg as the man fox and uncharted but of stupid into the strong hair to positive mind and oh my god I was blow away their performance very behind my expression Tom did such an amazing job portable natty persona of this Mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool I love this very moment from every uncharted game of all into the 2 hour movie and this scenes very natty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with hair brother some puzzle out of area location of this area was not cute the area haha the action scenes very perfect I can say no less this movie was beautiful I could not have near with the outcome looking for so forward the sequel now of experiment did definitely so this movie as is fantastic and this movie and plenty of good action scenes and some great actresses is the movie include Tom Holland, Mark Wahlberg, and the stunning Sophia Taylor Ali, and they were all amazing. Of course, especially Tom Holland, and it is nice to see him play a role other than Spider-Man, even throughout amazing. Of this good
अमेजन लोकेशन इन दिस मूवी एंड अमेजन सीन्स मार ओप आल्सो रिकमेंडेड आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस वेरी अनचार्टेड सिक्वल मूवी आई मीन कम आउट ऑफ दिस वेरी ग्रेट दिस प्रिपेयर फॉर दिस मूवी इज वेरी रिटेबलेबल ऑफ अनचार्टेड गेम्स इन द सीन्स एंड टीजर हंट ऑफ दिस इंक्लूड करेक्टर आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिंग रिकमेंडेड दैट टू प्ले लिस्ट एंड लाटेस्ट अनचार्टेड गेम इफ यू हैव नॉट सो दिस न्यू वॉट अनचार्टेड इज अबाउट who all of people about of really enjoy this movie so yes this movie I mean could have been better than of this good amazing Holland of this very fantastic I have every seen amazing choice for playing so overall I definitely recommended you to watch this action packed adventure movie and what over and started games of update I have every seen movie TVs and so this IMAX of this very first time and good waiting for this I have every good think about of this very and having spent 100 of hour grading each and uncharted game 200% completion and 1000 more hours into the tier multiply expression I can this movie I have good expression I can see this fantastic video game series despite going into the film expression the worst too many people of this good Tom Holland and Mark Zuckerberg of fair chance going to this movie their previous action acting roles of this very younger version of the character support cast and the story flow smoothly attended the movie someone who play the very much better than I have good performance of poor video game adaptation and I hold this release when of this very enjoy without reading on coastal success from the games my only intensity of this include the airplane of this negative expression use tasteful without running trademark since I do not play video games much better than I expected I was curiously optimistic by the trailer and had hope Tom Holland could play a young Nathan Drake we held this very good amazing in the role full and love how this introduction of this as trade mannism uncharted game series fan I was super excited for this movie but I was left feeling less than over how very impressive action scenes of this beautiful I have every scene of this good performance Tom Holland साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह है कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ही अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फ्लेशर थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाइड टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ दैम आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी adaptation of the series Tom Holland hit all of the right beats of Nathan personality I was honestly bit
स्कैप टाइपल ऑफ दिस कुल्ड फर्स्ट हैंड गुड मैनेजमेंट टू ब्रिंग नैथ चरम ऑफ दिस विथ होमर एंड गुड हार्ट इन वे दिस वाज एंड गुड इट रियली ऑफ गुड हैंड टॉम हॉलैंड वुड ऑफ दिस ड्रैग विदाउट एंड फ्लिकिंग लैक ऑफ दिस इम्प्रेसिव आई कैन नॉट वेट टू सी मोरी ऑफ हिम द फ्यूचर मार्क वालबर्ग डिड ए प्रीति गुड जॉब एंड सुली टू हैंड ही डिड ए नाइस जॉब ऑफ शोइंग ऑफ सीन्स ऑफ दिस गुड डीपली क्राइंग ऑफ पर्सनलिटी सोफिया अली आल्सो डिड ए फैंटास्टिक जॉब विथ चोले एंड ऑल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ दिस करेक्टर वेरी हैंडल वुड परफेक्ट ऑफ दिस वेरी द रिमाइंडर ऑफ द कास्ट आल्सो डिड ए प्रीति गुड जॉब विथ देयर रोल्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी दे रियली रेलिड दैट अनचार्टेड फिल्म द ग्लोब ट्रोटिंग टीजर ऑफ हंटिंग फिल एंड प्रीसमैन थ्रू आउट द होल मूवी एंड इट होनेस्टली फेल्ट लाइक something out of the game even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the next was translated surprise well the action was also awesome it had that high energy feel I would particular like how they show of Nate Mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible the mix of old and new set piece very really great to see and they really nailed the energy and intensity they you should and trade national feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really captured the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कम्प्लीटली न्यू टू इट ऑफ द इट इज वॉज अब्सोल्युटली हैव फन विद दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म And now years later did drop of this stunning new oh, there were finally going to bring one of my all-time favorite games to big screen seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagining Tom Holland and Mark Wahlberg as the man fox and uncharted but of stupid into the strong hair to positive mind and oh my god I was blow away their performance very behind my expression Tom did such an amazing job portable natty personula of this mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool I love this very moment from every uncharted game of all into the 2 hour movie and this scenes very natty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with hair brother some puzzle out of area location of this area was not cute the area haha the action scenes very perfect I can say no less this movie was beautiful I could not happier with the outcome looking for so forward the sequel now of experiment did definitely so this movie and is fantastic and this movie and plenty of good action scenes and some great actresses is the movie include Tom Holland, Mark Wahlberg, and the stunning Sophia Taylor Ali, and they were all amazing. Of course, especially Tom Holland, and it is nice to see him play a role other than Spider-Man, even throughout Amazon. Of this good. Amazing location in this movie and amazing scenes moreover also recommended I have every scene of this very uncharted sequel movie I mean come out of this very great this prepare for this movie is very relatable of uncharted games in the scenes and teaser hunt of this include character I have every scene of this very fantastic recommended that to playlist and latest uncharted game if you have not so this new what and Uncharted is about who all oh people are about of really enjoy this movie so yes this movie I mean could have been better than of this good amazing Holland of this very fantastic I have every scene amazing choice for playing so overall I definitely recommended you to watch this action-packed adventure movie
एंड वाट ओवर अनचार्टेड गेम्स ऑफ अपडेट आई हैव एवरी सीन मूवी टीवी एंड सो दिस आई एम एक्स ऑफ दिस वेरी फर्स्ट टाइम एंड गुड वेटिंग फॉर दिस आई हैव एवरी गुड थिंक अबाउट ऑफ दिस वेरी एंड हैविंग स्पेंट हंड्रेड ऑफ हावर ग्रेडिंग ईच एंड अनचार्टेड गेम 200% कंप्लीशन एंड थाउजेंड मोरी हावर्स इन टू द थियर मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन आई कैन दिस मूवी आई हैव गुड एक्सप्रेशन आई कैन सी दिस फैंटेस्टिक वीडियो गेम सीरीज डेस्पाइट गोइंग इन टू द फिल्म एक्सप्रेशन द वर्स्ट टू मैनी पीपुल ऑफ दिस गुड टॉम हॉलैंड एंड मार्क ज़ुकरबर्ग ऑफ फेयर चांस गोइंग टू दिस मूवी देयर प्रीवियस एक्शन एक्टिंग रोल्स ऑफ दिस वेरी यंगर वर्जन ऑफ द करेक्टर सपोर्टिंग सपोर्ट कास्ट एंड द स्टोरी फ्लो स्मूथली अटेंडेड द मूवी समवन हु प्ले द वेरी मच बेटर दैन आई हैव गुड परफॉर्मेंस ऑफ पूर वीडियो गेम एडेप्शन and I hold this release when of this very enjoy without reading on coastal success from the games my only intensity of this include the airplane of this negative expression use tasteful without running trademark since I do not play video games much better than I expected I was curiously optimistic by the trailer and had hope Tom Holland Could play a young Nathan Drake. We held this very good Amazon in the role full and love how this introduction of this as trade mention uncharted game series fan. I was super excited for this movie, but I was left feeling less than over how very impressive action scenes of this beautiful. I have every scene of this good performance Tom Holland. साल 2022 में रिलीज़ हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फ्लेशर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाइड टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ देम आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी adaptation of the series Tom Holland hit all of the right beats of Nathan personality I was honestly bit skeptical of this could first hand good management to bring Nat Charm of this with Homer and good heart in way this was and good it really of good hand Tom Holland would of this drag without and flicking lack of this impressive I cannot wait to see more of him the future Mark Wahlberg did a pretty good job and Sully too and he did a nice job of showing off scenes of this good deeply crying of personality Sophia Ali also did a fantastic job with Chole and all of twist and turns of this character very handled would perfect of this very the remainder of the cast also did a pretty good job with their roles as well in terms of the story they really relived that uncharted film the globe trotting teaser of hunting Phil and Precisement throughout the whole movie and it honestly felt like
समथिंग आउट ऑफ द गेम इवन द स्लोअर मूवमेंट ऑफ स्लोइंग पजल्स एंड अनरिवॉल्विंग द माइस्ट्री ऑफ देयर वायर ऑफ द नेक्स्ट वाज ट्रांसलेटेड सरप्राइज वेल द एक्शन वाज आल्सो अवेसम इट हैड दैट हाई एनर्जी फील आई गुड पर्टिकुलर लाइक हाउ दे शो ऑफ नेटे मोरी ऑफ इम्प्रोवेशनल साइड ऑफ द कॉम्बैक्ट एज द सीट पीस दे वेरी इनक्रेबल द मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू सेट पीस वेरी रियली ग्रेट to see and they really nailed the energy and intensity they you should and trade national feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really capture the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कम्प्लीटली न्यू टू इट ऑफ द इट इज वॉज अब्सोल्युटली हैव फन विथ दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म And now years later did dope of this stunning new there were finally going to bring one of my all-time favorite games to big screen seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagining Tom Holland and Mark Wahlberg as the man Fox and Uncharted but of stupid into the strong hair to positive mind and oh my god I was blown away their performance very behind my expression Tom did such an amazing job portable natty personula of this mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool I love this very moment from every uncharted game of all into the two hour movie and this scenes very natty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with हेयर ब्रोदर सम पजल आउट ऑफ एरिया लोकेटेशन ऑफ दिस एरिया वाज नॉट क्यूट द एरिया हा हा द एक्शन सीन्स वेरी परफेक्ट आई कैन से नो लेस दिस मूवी वाज ब्यूटिफुल आई कुड नॉट हैप नियर विथ द ऑक्टम आउटकम लुकिंग फॉर सो फॉरवर्ड द सिक्वल नाउ ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड डेफिनेटली सो दिस मूवी एंड इज फैंटेस्टी एंड दिस मूवी एंड प्लेंटी ऑफ गुड एक्शन सीन्स एंड सम ग्रेट एक्ट्रेस एक्ट्रेसेज इज द मूवी इनक्लूड Tom Holland, Mark Wahlberg, and the stunning Sophia Taylor Ali, and they were all amazing, of course, especially Tom Holland. And it is nice to see him play a role other than Spider-Man, even throughout amazing. Of this good, amazing location in this movie and amazing scenes. Marop also recommended. I have every scene of this very uncharted sequel movie. I mean, come out of this very great. This prepare for this movie is very relatable of uncharted games in the scenes and teaser hunt of this include character. I have every scene of this very fantastic. Recommended that to playlist and latest uncharted game. If you have not seen this new what uncharted is about who all of people about of really enjoy this movie so yes this movie I mean could have been better than of this good amazing whole land of this very fantastic I have every scene amazing choice for playing so overall I did definitely recommended you to watch this action packed adventure movie And what over uncharted games of update I have every seen movie TVs and so this IMAX open this very first time and good waiting for this I have every good think about open this very and having spent 100 of hour grading each and uncharted game 200% completion and 1000 more hours into the theater multiply expression I can this movie I have good expression I can see this fantastic video game series despite going into the film expression the worst too many people of this good Tom Holland and Mark Wahlberg of fair chance going to this movie their previous action acting roles of this very younger version of the character supporting support cast and the story flow smoothly attended the movie someone who play the very much better than I have good performance of poor video game adaptation
एंड आई हुल दिस रिलीज वैन ऑफ दिस वेरी एंजॉय विदाउट रीडिंग ऑन कोस्टल सक्सेस फ्रॉम द गेम्स माई ओनली इंटेंसिटी ऑफ दिस इंक्लूड द एयरप्लेन ऑफ दिस नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज टेस्टफुल विदाउट रनिंग ट्रेडमार्क सिंस आई डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स मच बेटर दैन आई एक्सपेक्टेड आई वॉज क्यूसली ऑपोटोमेसिंग बाई द ट्रिलर एंड हैड होप टॉम होलैंड कुल्ड प्ले ए यंग नैथम ड्रैक वी हैल दिस वेरी गुड अमेजन इन द रोल फुल एंड लव हाउ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एज ट्रेड मैन्यूसम अनचार्टेड गेम सीरीज फैन आई वॉज सुपर एग्जिट फॉर दिस मूवी बट आई वॉज लेफ्ट फीलिंग लेस देन ओवर हाउ वेरी इंप्रेसिव एक्शन सीन्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस टॉम होलैंड। साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम होलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह है कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फ्लेशर थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाइड टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ देम आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी adaptation of the series Tom Holland hit all of the right beats of Nathan personality I was honestly bit skeptical of this could first hand good management to bring Nat Charm of this with Homer and good heart in way this was and good it really of good hand Tom Holland would of this drag without and flicking lack of this impressive I cannot wait to see more of him the future Mark Wahlberg did a pretty good job and Sully too and he did a nice job of showing off scenes of this good deeply crying of personality Sophia Ali also did a fantastic job with Chole and all of twist and turns of this character very handled would perfect of this very the remainder of the cast also did a pretty good job with their roles as well in terms of the story they really relived that uncharted film the globe trotting teaser of hunting Phil and placement throughout the whole movie and it honestly felt like something out of the game even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the next was translated surprise well the action was also awesome it had that high energy feel I good particular like how they show of Nate Mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible the mix of old and new set piece very really great to see and they really nailed the energy and intensity they you should and trade national feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really capture the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on
वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कम्प्लीटली न्यू टू इट ऑफ द इट इज वॉज अब्सोल्युटली हैव फन विथ दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म And now years later did dove up this stunning new there were finally going to bring one of my all-time favorite games to big screen seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagining Tom Holland and Mark Wahlberg as the man fox and uncharted but up stopped into the strong hair to positive mind and oh my god I was blown away their performance very behind my expression Tom did such an amazing job portable natty personula of this mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool I love this very moment from every uncharted game of all into the two hour movie and this scenes very natty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with हेयर ब्रोदर सम पजल आउट ऑफ एरिया लोकेटेशन ऑफ दिस एरिया वाज नॉट क्यूट द एरिया हा हा द एक्शन सीन्स वेरी परफेक्ट आई कैन से नो लेस दिस मूवी वाज ब्यूटिफुल आई कुड नॉट हैप नियर विथ द ऑक्टम आउटकम लुकिंग फॉर सो फॉरवर्ड द सिक्वल नाउ ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड डेफिनेटली सो दिस मूवी एंड इज फैंटेस्टी एंड दिस मूवी एंड प्लेंटी ऑफ गुड एक्शन सीन्स एंड सम ग्रेट एक्ट्रेस एक्ट्रेसेज इज द मूवी इनक्लूड Tom Holland, Mark Wahlberg, and the stunning Sophia Taylor Ali, and they were all amazing, of course, especially Tom Holland. And it is nice to see him play a role other than Spider-Man, even throughout amazing. Hope this good. Amazing location in this movie and amazing scenes Marop also recommended I have every scene of this very uncharted sequel movie I mean come out of this very great this prepare for this movie is very relatable of uncharted games in the scenes and teaser hunt of this include character I have every scene of this very fantastic recommended that to playlist and latest uncharted game if you have not so this new what and Uncharted is about who all of people are about of really enjoy this movie. So yes, this movie I mean could have been better than of this good Amazon Holland of this very fantastic I have every seen Amazon choice for playing. So overall, I did definitely recommended you to watch this action-packed adventure movie. And what over uncharted games of update I have every seen movie TVs and so this IMAX open this very first time and good waiting for this I have every good think about open this very and having spent 100 of hour grading each and uncharted game 200% completion and 1000 more hours into the theater multiply expression I can this movie I have good expression I can see this fantastic video game series despite going into the film expression the worst too many people hope this good Tom Holland and Mark Wahlberg hope fair chance going to this movie their previous action acting roles hope this very younger version of the character supporting support cast and the story flow smoothly attended the movie someone who play the very much better than I have good performance of poor video game adaptation and I hold this release when of this very enjoy without reading on coastal success from the games my only intensity of this include the airplane of this negative expression used tasteful without running trademark since I do not play video games much better than I expected I was curiously optimistic by the trailer and had hope Tom Holland could play a young Nathan Drake we held this very good amazing in the role full and love how this introduction of this as trade mention uncharted game series fan I was super excited for this movie but I was left feeling less than over how very impressive action scenes of this beautiful I have every scene of this good performance Tom Holland
साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली हुआ है कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फिलिसर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज समवन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाई टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ देम, आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी अडेप्शन ऑफ द सीरीज। टॉम हॉलैंड हिट ऑल ओवर राइट बिल्ड्स ऑफ नथन पर्सनैलिटी, आई वाज होनेस्टली बिट स्केप टाइपल ऑफ दिस कुल्ड, फर्स्ट हैंड गुड मैनेजमेंट टू ब्रिंग नैत चरम ऑफ दिस विथ होमर एंड गुड हार्ट इन वे दिस वाज एंड गुड इट रियली ऑफ गुड हैंड टॉम हॉलैंड वुड ऑफ दिस ड्रैग विदाउट एंड फ्लिकिंग लैक ऑफ दिस इम्प्रेसिव, आई कैन नॉट वेट टू सी मोरी ऑफ हिम द फ्यूचर। मार्क वालबर्ग डिड ए प्रीति गुड जॉब एंड सुली टू हैंड ही डिड ए नाइस जॉब ऑफ शोइंग ऑफ सीन्स ऑफ दिस गुड डीपली क्राइंग ऑफ पर्सनैलिटी। सोफिया अली आल्सो डिड ए फैंटास्टिक जॉब विथ चोले एंड ऑल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ दिस करेक्टर वेरी हैंडल वुड परफेक्ट ऑफ दिस वेरी द रिमाइंडर ऑफ द कास्ट आल्सो डिड ए प्रीति गुड जॉब विथ देयर रोल्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी दे रियली रेलिड दैट अनचार्टेड फिल्म द ग्लोब ट्रोटिंग टीजर ऑफ हंटिंग फिल एंड प्रीसमेंट थ्रू आउट द होल मूवी एंड इट होनेस्टली फेल्ट लाइक something out of the game, even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the nest was transcended surprise well the action was also awesome, it had that high energy feel I good particular like how they show of Nate Mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible the mix of old and new set piece very really great to see and they really nailed the energy and intensity they you should and traditional feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really capture the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कम्प्लीटली न्यू टू इट ऑफ द इट इज वॉज एब्सोल्युटली हैव फन विथ दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म and now years later did dope of this standing new oh there were finally going to bring one of my all time favorite games to big screen seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagining Tom Holland and Mark Wahlberg as the man fox and uncharted but of stupid into the strong here to positive mind and oh my god I was blow away their performance very behind my expression
टॉम डिड सच एन अमेजन जॉब पोर्टेबल नेटी पर्सनोला ऑफ दिस मार्क डिड आल्सो गुड ग्रेट जॉब एंड गुड पर्सनैलिटी एंड गुड बैक एंड बुक ऑफ दिस नॉट फॉरगेट अबाउट सोफिया एज ओवर वन एंड ओनली चूल आई लव दिस वेरी मूमेंट फ्रॉम एवरी अनचार्टेड गैम ऑफ आल इन टू द टू होवर मूविंग एट दिस सीन्स वेरी नते एंड चोलक वार ऑफ दिस वेरी एंड द पैलेसमेंट एवरी एलिमेंट परफेक्ट सो कास्टिंग नेट चाइल्डहुड विथ हेयर ब्रोदर सम पजल आउट ऑफ एरिया लोकेटेशन ऑफ दिस एरिया वाज नॉट क्यूट द एरिया हा हा द एक्शन सीन्स वेरी परफेक्ट आई कैन शे नो लेस दिस मूवी वाज ब्यूटिफुल आई कुल्ड नॉट हैप नियर विथ द ऑक्टम आउटकम लुकिंग फॉर सो फॉरवर्ड द सिक्वल नाउ ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड डेफिनेटली सो दिस मूवी एंड इज फैंटेस्टी एंड दिस मूवी एंड प्लेंटी ऑफ गुड एक्शन सीन्स एंड सम ग्रेट एक्ट्रेस एक्ट्रेसेज इज द मूवी इन include Tom Holland, Mark Wahlberg and the stunning Sophia Taylor Ali and they were all amazing of course especially Tom Holland and it is nice to see him play a role other than Spider-Man even throughout amazing of this good amazing location in this movie and amazing scenes Mar op also recommended I have every scene of this very uncharted sequel movie I mean come out of this very great this prepare for this movie is very relatable of uncharted games in the scenes and teaser hunt of this include character I have every scene of this very fantastic recommended that to playlist and latest uncharted game if you have not saw this new what uncharted is about who all of people about of really enjoy this movie so yes this movie I mean could have been better than of this good amazing Holland of this very fantastic I have every scene amazing choice for playing so overall I definitely recommended you to watch this action packed adventure movie and what over uncharted games of update I have every seen movie TVs and so this IMAX of this very first time and good waiting for this I have every good think about of this very and having spent 100 of hour grading each and uncharted game 200% completion and 1000 more hours into the tier multiply expression I can this movie I have good expression I can see this fantastic video game series despite going into the film expression the worst too many people of this good Tom Holland and Mark Wahlberg of fair chance going to this movie their previous action acting roles of this very younger version of the character support cast and the story flow smoothly attended the movie someone who play the very much better than I have good performance of poor video game adaptation and I hold this release one of this very enjoy without reading on coastal success from the games my only intensity of this include the airplane of this negative expression use tasteful without running trademark since I do not play video games much better than I expected I was curiously optimistic by the trailer and had hope Tom Holland could play a young Nathan Drake we held this very good amazing in the role full and love how this introduction of this as trade mainstream uncharted game series fan I was super excited for this movie but I was left feeling less than over how very impressive action scenes of this beautiful I have every scene of this good performance Tom Holland साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था। जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली हुआ है कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ही अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं
क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फ्लेशर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाई टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ देम, आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी एडेप्शन ऑफ द सीरीज। टॉम होलैंड हिट ऑल ओवर राइट बिट्स ऑफ नथन पर्सनैलिटी। आई वाज होनेस्टली बिट स्केप टाइपल ऑफ दिस कुल्ड फर्स्ट हैंड गुड मैनेजमेंट टू ब्रिंग नैत चरम ऑफ दिस विथ होमर एंड गुड हार्ट इन वे दिस वाज एंड गुड इट रियली ऑफ गुड हैंड टॉम होलैंड वुड ऑफ दिस ड्रैग विदाउट एंड फ्लिकिंग लैक ऑफ दिस इम्प्रेसिव। आई कैन नॉट वेट टू सी मोरी ऑफ हिम द फ्यूचर। मार्क वालबर्ग डिड ए प्रीति गुड जॉब एंड सुली टू हैंड ही डिड ए नाइस जॉब ऑफ शोविंग ऑफ सीन्स ऑफ दिस गुड डीपली क्राइंग ऑफ पर्सनैलिटी। सोफिया अली आल्सो डिड ए फैंटास्टिक जॉब विथ चोले एंड ऑल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ दिस करेक्टर वेरी हैंडल वुड परफेक्ट ऑफ दिस वेरी द रिमाइंडर ऑफ द कास्ट आल्सो डिड ए प्रीति गुड जॉब विथ देयर रोल्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी दे रियली रेलिड दैट अनचार्टेड फिल्म द ग्लोब ट्रोटिंग टीजर ऑफ हंटिंग फिल एंड प्रीसमेंट थ्रू आउट द होल मूवी एंड इट होनेस्टली फेल्ट लाइक something out of the game. Even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the nest was transcended surprise. Well, the action was also awesome. It had that high energy feel I would particular like how they show of Nate Mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible. The mix of old and new set piece very really great to see and they really nailed the energy and intensity they you should and trade national feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really capture the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कम्प्लीटली न्यू टू इट ऑफ द इट इज वॉज एब्सोल्युटली हैव फन विथ दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म and now years later did dope of this stunning new oh, there were finally going to bring one of my all time favorite games to big screen. Seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagining Tom Holland and Mark Wahlberg as the man fox and uncharted but of stupid into the strong hair to positive mind and oh my god I was blow away their performance very behind my expression. Tom did such an amazing job portable native persona of this mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool I love this very moment from every uncharted game of all into the 2-hour movie and this scenes very nutty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with hair ब्रोदर सम पजल आउट ऑफ एरिया लोकेटेशन ऑफ दिस एरिया वाज नॉट क्यूट द एरिया हा द एक्शन सीन्स वेरी परफेक्ट आई कैन शे नो लेस दिस मूवी वाज ब्यूटिफुल आई कुल्ड नॉट हैप नियर विथ द ऑक्टम आउटकम लुकिंग फॉर सो फॉरवर्ड द सिक्वल नाउ ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड डेफिनेटली सो दिस मूवी एंड इज फैंटास्टिक एंड दिस मूवी एंड प्लेंटी ऑफ गुड एक्शन सीन्स एंड सम ग्रेट एक्ट्रेस एक्ट्रेसेज इज द मूवी इंक्लूड
इंक्लूड टॉम हॉलैंड, मार्क विलबर्ग एंड द स्टैनिंग सोफिया टेलर अली एंड दे वेरी ऑल अमेजन ऑफ कोर्स स्पेशली टॉम हॉलैंड एंड इट इज नाइस टू सी हिम प्ले ए रोल अदर दैन स्पाइडरमैन इवन थ्रू आउट अमेजन ऑफ दिस गुड अमेजन लोकेशन इन दिस मूवी एंड अमेजन सीन्स मार ओप आल्सो रिकमेंडेड आई हैव एवरी सीन ऑप दिस वेरी अनचार्टेड सिक्वल मूवी आई मीन कम आउट ऑफ दिस वेरी ग्रेट दिस प्रिपेयर फॉर दिस मूवी इज वेरी रिटेबलेबल ऑफ अनचार्टेड गेम्स इन द सीन्स एंड टीजर हंट ऑफ दिस इंक्लूड करेक्टर आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक रिकमेंडेड दैट टू प्ले लिस्ट एंड लाटेस्ट अनचार्टेड गेम इफ यू हैव नॉट सो दिस न्यू वॉट अनचार्टेड इज अबाउट who all of people about of really enjoy this movie so yes this movie I mean could have been better than of this good amazon holland of this very fantastic I have every seen amazon choice for playing so overall I definitely recommended you to watch this action packed adventure movie and what over uncharted games of update I have every seen movie TVs and so this IMAX of this very first time and good waiting for this I have every good think about of this very and having spent 100 of hour grading each and uncharted game 200% completion and 1000 more hours into the tier multiply expression I can this movie I have good expression I can see this fantastic video game series despite going into the film expression the worst too many people of this good Tom Holland and Mark Zuckerberg of fair chance going to this movie their previous action acting roles of this very younger version of the character support cast and the story flow smoothly attended the movie someone who play the very much better than I have good performance of poor video game adaptation and I hold this release when of this very enjoy without reading on coastal success from the games my only intensity of this include the airplane of this negative expression use tasteful without running trademark since I do not play video games much better than I expected I was curiously optimistic by the trailer and had hope Tom Holland could play a young Nathan Drake we held this very good amazon in the role full and love how this introduction of this as trademanism uncharted game series fan I was super excited for this movie but I was left feeling less than over how very impressive action scenes of this beautiful I have every scene of this good performance Tom Holland साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था। जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फ्लेशर थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाई टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ देम आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी
एडेप्शन ऑफ द सीरीज टॉम होलैंड हिट ऑल ऑफ राइट बीट्स ऑफ नेथन पर्सनैलिटी आई वाज होनेस्टली बिट स्कैप टाइपल ऑफ द स्कूल फर्स्ट हैंड गुड मैनेजमेंट टू ब्रिंग नैथ चरम ऑफ दिस विथ होमर एंड गुड हार्ट इन वे दिस वाज एंड गुड इट रियली ऑफ गुड हैंड टॉम होलैंड वुड ऑफ दिस ड्रैग विदाउट एंड फ्लिकिंग लैक ऑफ दिस इम्प्रेसिव आई कैन नॉट वेट सी मोरी ऑफ हिम द फ्यूचर मार्क वालबर्ग डिड ए प्रीती गुड जॉब एंड सुली टू हैंड ही डिड ए नाइस जॉब ऑफ शोइंग ऑफ सीन्स ऑफ दिस गुड डीपली क्राइंग ऑफ पर्सनैलिटी सोफिया अली आल्सो डिड ए फैंटास्टिक जॉब विथ चोले एंड ऑल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ दिस करेक्टर वेरी हैंडल वुड परफेक्ट ऑफ दिस वेरी द रिमाइंडर ऑफ द कास्ट आल्सो डिड ए प्रीति गुड जॉब विथ देयर रोल्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी दे रियली रेलिड दैट अनचार्टेड फिल्म द ग्लोब ट्रोटिंग टीजर ऑफ हंटिंग फिल एंड प्रीसमेंट थ्रू आउट द होल मूवी एंड इट होनेस्टली फेल्ट लाइक something out of the game even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the nest was transcendent surprise well the action was also awesome it had that high energy feel I would particular like how they show of nate mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible the mix of old and new set piece very really great to see and they really nailed the energy and intensity they you should and traditional feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really capture the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on whatever of a long time fan of series you are the completely new to it of it is was absolutely have fun with this movie I really enjoy it and of this I am so ready of the sequel I remember playing Uncharted 2 among these of few years back thinking of this very movie out of this film and now years later did dope of this stunning new oh, there were finally going to bring one of my all time favorite games to big screen seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagining Tom Holland and Mark Wahlberg as the man fox and uncharted but of stupid into the strong hair to positive mind and oh my god I was blow away their performance very behind my expression Tom did such an amazing job portable natty persona of this mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool I love this very moment from every uncharted game of all into the two hour movie and this scenes very natty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with hair brother some puzzle out of area location of this area was not cute the area haha the action scenes very perfect I can say no less this movie was beautiful I could not happier with the outcome looking for so forward the sequel now of experiment did definitely so this movie as is fantastic and this movie and plenty of good action scenes and some great actresses is the movie include Tom Holland, Mark Wahlberg, and the stunning Sophia Taylor Ali, and they were all amazing. Of course, especially Tom Holland, and it is nice to see him play a role other than Spider-Man, even throughout. Amazing, of this good, amazing location in this movie and amazing scenes. Mar of also recommended. I have every scene of this very Uncharted sequel movie. I mean, come out of this very great. This prepare for this movie is very. Retable of Uncharted games in the scenes and teaser hunt of this include character I have every scene of this very fantastic recommended that to playlist and latest Uncharted game if you have not so this new what Uncharted is about who all of people about of really enjoy this movie so yes this movie I mean could have been better than of this good amazing Holland of this very fantastic I have every scene amazing choice for playing so overall I did definitely recommended you to watch this action-packed adventure movie
एंड वाट ओवर अनचार्टेड गेम्स ऑफ अपडेट आई हैव एवरी सीन मूवी टीवी एंड सो दिस आई एम एक्स ऑफ दिस वेरी फर्स्ट टाइम एंड गुड वेटिंग फॉर दिस आई हैव एवरी गुड थिंक अबाउट ऑफ दिस वेरी एंड हैविंग स्पेंट हंड्रेड ऑफ हावर ग्रेडिंग ईच एंड अनचार्टेड गेम 200% कंप्लीशन एंड थाउजेंड मोरी हावर्स इन टू द थियर मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन आई कैन दिस मूवी आई हैव गुड expression I can see this fantastic video game series despite going into the film expression the worst too many people of this good Tom Holland and Mark Zuckerberg of fair chance going to this movie their previous action acting roles of this very younger version of the character support cast and the story flow smoothly attended the movie someone who played the very much better than I have good performance of poor video game adaptation and I hold this release when of this very enjoy without reading on coastal success from the games my only intensity of this include the airplane of this negative expression use tasteful without running trademark since I do not play video games much better than I expected I was curiously optimistic by the trailer and had hope Tom Holland could play a young Nathan Drake we held this very good amazing in the role full and love how this introduction of this as trade manism uncharted game series fan I was super excited for this movie but I was left feeling less than our how very impressive action scenes of this beautiful I have every scene of this good performance Tom Holland साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फ्लेशर थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाई टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ देम आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी adaptation of the series Tom Holland hit all of the right beats of Nathan personality I was honestly bit skeptical of this could first hand good management to bring Nat Charm of this with Homer and good heart in way this was and good it really of good hand Tom Holland would of this drag without and flicking lack of this impressive I cannot wait to see more of him the future Mark Wahlberg did a pretty good job and Sulin too and he did a nice job of showing off scenes of this good deeply crying of personality Sophia Ali also did a fantastic job with Chole and all of twist and turns of this character very handled perfect of this very the remainder of the cast also did a pretty good job with their roles as well in terms of the story they really rallied that uncharted film the globe trotting teaser of hunting Phil and Prismant throughout the whole movie and it honestly felt like
समथिंग आउट ऑफ द गेम इवन द स्लोअर मूवमेंट ऑफ स्लोइंग पजल्स एंड अनरिवॉल्विंग द माइस्ट्री ऑफ देयर वायर ऑफ द नेक्स्ट वाज ट्रांसलेटेड सरप्राइज वेल द एक्शन वाज आल्सो अवेसम इट हैड दैट हाई एनर्जी फील आई गुड पर्टिकुलर लाइक हाउ दे शो ऑफ नेटे मोरी ऑफ इम्प्रोवेशनल साइड ऑफ द कॉम्बैक्ट एज द सीट पीस दे वेरी इनक्रेबल द मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू सेट पीस वेरी रियली ग्रेट टू सी एंड दे रियली नेल्ड द एनर्जी एंड इंटेंसिटी दे यू शुड एंड ट्रेड नेशनल फील यू लाइक ऑफ दिस प्लेइंग थ्रू आउट दैम इट द गेम्स ओवरऑल दिस वॉज ए फैंटेस्टिक मूवी अडेप्शन दैट रियली कैप्चर द फील ऑफ अनचार्टेड गेम्स विल ऑफ दिस मैनेजिंग टू बी फ्रेश टैक ऑफ इट इज आवन वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कंप्लीटली न्यू टू इट ऑफ द इट इज वॉज एब्सोल्युटली हैव फन विथ दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म And now years later did dope of this standing new oh, there were finally going to bring one of my all-time favorite games to big screen seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagined Tom Holland and Mark Wahlberg as the man Fox and Uncharted but of stupid into the strong hair to positive mind and oh my god I was blown away their performance very behind my expression Tom did such an amazing job portable natty personula of this mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool I love this very moment from every uncharted game of all into the 2 hour movie and this scenes very nutty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with हेयर ब्रोदर सम पजल आउट ऑफ एरिया लोकेटेशन ऑफ दिस एरिया वाज नॉट क्यूट द एरिया हा द एक्शन सीन्स वेरी परफेक्ट आई कैन शे नो लेस दिस मूवी वाज ब्यूटिफुल आई कुड नॉट हैप नियर विथ द ओकटम आउटकम लुकिंग फॉर सो फॉरवर्ड द सिक्वल नाउ ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड डेफिनेटली सो दिस मूवी एंड इज फैंटेस्टी एंड दिस मूवी एंड प्लेंटी ऑफ गुड एक्शन सीन्स एंड सम ग्रेट एक्ट्रेस एक्ट्रेसेज इज द मूवी इनक्लूड Tom Holland, Mark Wahlberg, and the stunning Sophia Taylor Ali, and they were all amazing, of course, especially Tom Holland. And it is nice to see him play a role other than Spider-Man, even throughout Amazing. Hope this good. Amazing location in this movie and amazing scenes Maro op also recommended I have every scene of this very uncharted sequel movie I mean come out of this very great this prepare for this movie is very relatable of uncharted games in the scenes and teaser hunt of this include character I have every scene of this very fantastic recommended that to playlist and latest uncharted game if you have not so this new what and Uncharted is about who all oh people are about of really enjoy this movie so yes this movie I mean could have been better than of this good amazing Holland of this very fantastic I have every scene amazing choice for playing so overall I did definitely recommended you to watch this action packed adventure movie And what over uncharted games of update I have every seen movie TVs and so this IMAX of this very first time and good waiting for this I have every good think about of this very and having spent 100 of hour grading each and uncharted game 200% completion and 1000 more hours into the theater multiply expression I can this movie I have good expression I can see this fantastic video game series despite going into the film expression the worst too many people hope this good Tom Holland and Mark Wahlberg of fair chance going to this movie their previous action acting roles hope this very younger version of the character support cast and the story flow is smoothly attended the movie someone who play the very much better than I have good performance of poor video game adaptation
एंड आई हुल दिस रिलीज वैन ऑफ दिस वेरी एंजॉय विदाउट रीडिंग ऑन कोस्टल सक्सेस फ्रॉम द गेम्स माई ओनली इंटेंसिटी ऑफ दिस इंक्लूड द एयरप्लेन ऑफ दिस नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज टेस्टफुल विदाउट रनिंग ट्रेडमार्क सीन्स आई डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स मच बेटर दैन आई एक्सपेक्टेड आई वॉज क्यूसली ऑपोटोमेसिंग बाई द ट्रिलर एंड हैड होप टॉम होलैंड कुल्ड प्ले ए यंग नैथम ड्रैक वी हैल दिस वेरी गुड अमेजन इन द रोल फुल एंड लव हाउ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एज ट्रेड मैन्यूसम अनचार्टेड गैम सीरीज फैन आई वॉज सुपर एग्जिट फॉर दिस मूवी बट आई वॉज लेफ्ट फीलिंग लेस देन आवर हव वेरी इंप्रेसिव एक्शन सीन्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस टॉम होलैंड। साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम होलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था। जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फ्लेशर थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाई टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ देम आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी adaptation of the series Tom Holland hit all of the right beats of Nathan personality I was honestly bit skeptical of this could first hand good management to bring Nat Charm of this with Homer and good heart in way this was and good it really of good hand Tom Holland would of this drag without and flicking lack of this impressive I cannot wait to see more of him the future Mark Wahlberg did a pretty good job and Sully too and he did a nice job of showing off scenes of this good deeply crying of personality Sophia Ali also did a fantastic job with Chole and all of twist and turns of this character very handled perfect of this very the remainder of the cast also did a pretty good job with their roles as well in terms of the story they really relived that uncharted film the globe trotting teaser of hunting Phil and placement throughout the whole movie and it honestly felt like something out of the game even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the nest was translated surprise well the action was also awesome it had that high energy feel I would particular like how they show of Nate Mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible the mix of old and new set piece very really great to see and they really nailed the energy and intensity they you should and traditional feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really capture the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on
वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कम्प्लीटली न्यू टू इट ऑफ इट इज वॉज अब्सोल्युटली हैव फन विथ दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म And now years later did dope of this standing new oh, there were finally going to bring one of my all time favorite games to big screen seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagined Tom Holland and Mark Wahlberg as the man Fox and Uncharted but of stupid into the strong hair to positive mind and oh my god I was blown away their performance very behind my expression Tom did such an amazing job portable natty personula of this mark did also good great job and good personality and good back and book of this not forget about Sophia as over one and only tool I love this very moment from every uncharted game of all into the two hour movie and this scenes very nutty and chalk war of this very and the placement every element perfect so casting net childhood with हेयर ब्रोदर सम पजल आउट ऑफ एरिया लोकेटेशन ऑफ दिस एरिया वाज नॉट क्यूट द एरिया हा द एक्शन सीन्स वेरी परफेक्ट आई कैन से नो लेस दिस मूवी वाज ब्यूटिफुल आई कुड नॉट हैप नियर विथ द ऑक्टम आउटकम लुकिंग फॉर सो फॉरवर्ड द सिक्वल नाउ ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड डेफिनेटली सो दिस मूवी एंड इज फैंटेस्टी एंड दिस मूवी एंड प्लेंटी ऑफ गुड एक्शन सीन्स एंड सम ग्रेट एक्ट्रेस एक्ट्रेसेज इज द मूवी इनक्लूड Tom Holland, Mark Wahlberg, and the stunning Sophia Taylor Ali, and they were all amazing, of course, especially Tom Holland. And it is nice to see him play a role other than Spider-Man, even throughout amazing. Hope this good, amazing location in this movie and amazing scenes. Mar Hope also recommended. I have every scene of this very uncharted sequel movie. I mean, come out of this very great. This prepare for this movie is very. Very relatable of uncharted games in the scenes and teaser hunt of this include character I have every scene of this very fantastic recommended that to playlist and latest uncharted game if you have not so this new what uncharted is about who all of people are about of really enjoy this movie so yes this movie I mean could have been better than of this good amazing Holland of this very fantastic I have every scene Amazing choice for playing. So overall, I definitely recommended you to watch this action-packed adventure movie. And what over uncharted games of update I have every seen movie TVs and so this IMAX of this very first time and good waiting for this I have every good think about of this very and having spent 100 of hour grading each and uncharted game 200% completion and 1000 more hours into the theater multiply expression I can this movie I have good expression I can see this fantastic video game series despite going into the film expression the worst too many people of this good Tom Holland and Mark Wahlberg of fair chance going to this movie their previous action acting roles of this very younger version of the character support cast and the story flow smoothly attended the movie someone who play the very much better than I have good performance of poor video game adaptation And I hold this release when of this very enjoy without reading on coastal success from the games. My only intensity of this include the airplane of this negative expression use tasteful without running trademark since I do not play video games much better than I expected. I was curiously optimistic by the trailer and had hope Tom Holland. Could play a young Nathan Drake we held this very good amazing in the role full and love how this introduction of this as trade manism uncharted game series fan I was super excited for this movie but I was left feeling less than over how Very impressive action scenes of this beautiful I have every scene of this good performance Tom Holland
साल 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था अनचार्टेड मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली हुआ है कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि अनचार्टेड मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद, जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 56 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 56 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 75% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 18 फरवरी 2022 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फिलिसर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं अनचार्टेड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एज सम वन हु प्ले एवरी अनचार्टेड गेम मल्टीप्लाई टाइम्स एंड गोटन 100% कंप्लीशन इन ईच ऑफ देम, आई कैन एब्सोल्युटली से दैट दिस वॉज ए फैंटास्टिक मूवी एडेप्शन ऑफ द सीरीज। टॉम हॉलैंड हिट ऑल ओवर राइट बिल्ड्स ऑफ नथन पर्सनैलिटी, आई वाज होनेस्टली बिट स्केप टाइपल ऑफ दिस कुल्ड फर्स्ट हैंड गुड मैनेजमेंट टू ब्रिंग नैत चरम ऑफ दिस विथ होमर एंड गुड हार्ट इन वे दिस वाज एंड गुड इट रियली ऑफ गुड हैंड टॉम हॉलैंड वुड ऑफ दिस ड्रैग विदाउट एंड फ्लिकिंग लैक ऑफ दिस इम्प्रेसिव आई कैन नॉट वेट टू सी मोरी ऑफ हिम द फ्यूचर। मार्क वालबर्ग डिड ए प्रीति गुड जॉब एंड सुली टू हैंड ही डिड ए नाइस जॉब ऑफ शोविंग ऑफ सीन्स ऑफ दिस गुड डीपली क्राइंग ऑफ पर्सनैलिटी। सोफिया अली आल्सो डिड ए फैंटास्टिक जॉब विथ चोले एंड ऑल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ दिस करेक्टर वेरी हैंडल वुड परफेक्ट ऑफ दिस वेरी द रिमाइंडर ऑफ द कास्ट आल्सो डिड ए प्रीति गुड जॉब विथ देयर रोल्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी दे रियली रेलिड दैट अनचार्टेड फिल्म द ग्लोब ट्रोटिंग टीजर ऑफ हंटिंग फिल एंड प्रीसमेंट थ्रू आउट द होल मूवी एंड इट होनेस्टली फेल्ट लाइक something out of the game, even the slower movement of slowing puzzles and unraveling the mystery of their wire of the nest was transcended surprise well the action was also awesome it had that high energy feel I would particular like how they show of Nate Mori of improvisational side of the combat as the set piece they very incredible the mix of old and new set piece very really great to see and they really nailed the energy and intensity they you should and trade national feel you like of this playing throughout them it the games overall this was a fantastic movie adaptation that really capture the feel of uncharted games will of this managing to be praise tag of it is on वाट एवर ऑफ अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ सीरीज यू आर द कम्प्लीटली न्यू टू इट ऑफ द इट इज वॉज एब्सोल्युटली हैव फन विथ दिस मूवी आई रियली एन्जॉय इट एंड ऑफ दिस आई एम सो रेडी ऑफ द सीक्वल आई रिमेंबर प्लेइंग अनचार्टेड टू अमोंग दीज ऑफ फ्यू ईयर्स बैक थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मूवी आउट ऑफ दिस फिल्म and now years later did dope of this standing new oh, there were finally going to bring one of my all time favorite games to big screen seeing the cast throughout did have a little spectacle of I never imagining Tom Holland and Mark Wahlberg as the man fox and uncharted but of stupid into the strong hair to positive mind and oh my god I was blow away their performance very behind my expression
टॉम डिड सच एन अमेजन जॉब पोर्टेबल नेटी पर्सनोला ऑफ दिस मार्क डिड आल्सो गुड ग्रेट जॉब एंड गुड पर्सनैलिटी एंड गुड बैक एंड बुक ऑफ दिस नॉट फॉरगेट अबाउट सोफिया एज ओवर वन एंड ओनली चूल आई लव दिस वेरी मूमेंट फ्रॉम एवरी अनचार्टेड गेम।